जय सच्चिदानंद दादानु गीत मारे गाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे प्रेमनु अमृत पाऊ छे प्रेमनु अमृत पाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे दादा भजन नीरर मने लागे दादा भजन नीरर मने लागे भक्ति रस मानाऊ छे भक्ति रस मानाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे बसागर मानैया मारी डोले बसागर मानैया मारी डोले सामे किनारे मारे जाऊ छे सामे किनारे मारे जाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे जीवन मारु बनियो बकारो जीवन मारु बनियो बकारो दादा चरण मारे हैं छे दादा दादानु गीत मारे गाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे दादा तमारिया ग्यामरहिने दादा तमारिया ज्ञानामृत मारे पीऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे दादावित रागिनी दीक्षा पामी दादावित रागिनी दादा जे मारे थाऊ छे दादा जे मारे थाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे प्रेमनु अमृत पाऊ छे प्रेमनु अमृत पाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे दादानु गीत मारे गाऊ छे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद त्रिमंत्र बुलाए प्लीज। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो हरिहंताणम
नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव पाव प्रणासनो मंगलानं च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन गायक आयु और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही कर, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मानवी बन पाऊं। हे राधा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ, मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी, कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। दक्ष हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमें आपके बच्चे, हमें आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे सच्चे हैं कच्चे, आप करेंगे अच्छे अच्छे काम, करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अध्यक्ष, हाँ, बैटमैन कभी कच्चा नहीं होता है। हाँ ठीक है ठीक है, तो आप कब बैटमैन बनेगा? ओके, सेपरेशन प्रेयर बोलो। हे श्री आत्मा दादा होकर अपलगो लक्ष्य लगे, हे श्री आत्मा दादा गुर परमानेंट तो लक्ष्य पूरे दिए, हे श्री आत्मा दादा गुर नप्रिय लो दक्ष लेटे हुए। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद चिनाय जय सच्चिदानंद। हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान, तमे जुदा शोक मोनिका चुली छे, हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान, तमे जुदा शोक मोनिका रिलेटिव छे, हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान, तमे परमानेंट शोक मोनिका टेम्पररी छे। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके वेरी गुड केशव दादा, आज एक अपने में बर्थडे गर्ल है। किसका?
हेलो, किसका? हेलो, दादा मेरा मेरा है आज। इसमें शर्म क्यों आती है? बोलो जोर से, आ इट इज माय बर्थडे। वेरी दादा आज मेरा बर्थडे। हैप्पी गुड। तो बर्थडे क्या मोनिका। आप थैंक यू मुझे ऐसी क्या आशीष करते हैं। मोनिका तो क्या वो कुछ बोलने का डेस्क्रिप्शन? आप मुझे आशीर्वाद दें, जो मैंने रेजोल्यूशन लिया है वो मैं सिंसियरली करूं और मम्मी को कभी भी उन्हें दुख ना दूं, उनकी आज्ञा में ही रहूं, इसलिए आप मुझे शक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा से शक्ति मांगने की। हाँ दादा हैप्पी बर्थडे आशीर्वाद मम्मी। दो। दादा तो गुम हो जी गया। ओके, मोनिका, ऑन हाँ बिहाफ ऑफ ऑल द महात्माज, ओके, वी विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे एंड आपका विशेष अच्छा हो, फ्रूटफुल हो और शक्ति बहुत दे दादा को, आपको आपका दादा का नाम निभाने का है। ओके, जय सच्चिदान। ओके मन इतना सिवा, नाउ यू कैन सिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू मोनिका दीदी। सिंग थैंक बोला मैंने। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे मोनिका दीदी, दीदी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू। खुशी, वेरी इज द केक? खुशी। ओके वेरी गुड। ओके, आज तो बहुत अच्छा यूज़। दिन है सबको। ऑल पीपल हैव ए ग्रेज। दादा आप बिलीव करते हैं? वेरी गुड। दीपक दादा आज क्या हो गया आपको? सब एक कैसे आया? कुछ तक से बात मेरे को डी है, ब्रेकिंग तो किसमें है, को मैंने देखा नहीं, किसमें दी है? अच्छा, वेकिंग में नी डी है, किसमें? वेकिंग सुबह उठने में। ब्रेकिंग नहीं, क्या बोला? मैं यहाँ हूँ, आई कैन नॉट गेट द वर्ड। क्या बोलते हैं दिव्य दादा, केशव दादा? वो वेकिंग उठने में आज डी मिला है सुबह उनको, सुबह वो को। वेकिंग में, वेकिंग में बोलो ना, वेकिंग। ओके, क्या दादा क्या मुझे क्या, उठने में डी ग्रेड मिला है, किसमें? क्यों, सुबह उठने में। आप बेबी है घर के? तो नहीं ओके, तो अभी क्या करेंगे? इताक से बाबा आपको मम्मी पे के कब कितना तक, कितना साल तक डिपेंड होगा? आप अलार्म रखते हैं? रखा था तो क्या हो गया? लेकिन उठ नहीं पाई, मम्मी ने क्यों अलार्म बंद कर दिया था। क्यों बंद किया था? मम्मी ने बोला स्कूल में छुट्टी है ना तो सो जा, मतलब स्कूल में लेट हो जाए और इसलिए। इसको दैट बंद कर दिया था। इज नॉट, देखो अलार्म क्यों रखते हैं? अलार्म करके इमीडिएटली जंप आउट ऑफ द बेड, दैट इज ओनली सॉल्यूशन, नो अदर सॉल्यूशन। अलार्म बजा और निकल जाने का। जी मम्मी पढ़ने को दादा बोलते तभी तो प्रॉब्लम होता है, सोने को बोलते तो सो गई। नहीं ये क्या होता है, कौन सा रूल है ये? दक्ष, आपको क्या प्रॉब्लम है? दादा मैं उठ तो जा, मैं उठा नहीं था, फिर मम्मी ने उठा दिया था। पहला हम रखते हैं, नहीं मम्मी को बोला आराम रखे आपका। ओके, हाँ बोले मम्मी को बोला आई वॉन्ट टू बी सेल्फ सफिशियंट। हाँ
सब शीन बाद में मम्मी को सब खाना भी सिखा लेंगे। हाँ ओके ओके, तो क्या बात करेगा आज? आज तो ओके तो हो गया। कैसे बात, कैसे हो गया था? बात करो। तो हाँ ये चेन्नई का तो सब ए है, तो ये और दे उठने आर में गुड गुड हॉलीडे वेकेशन है, तो वेकेशन में तो एंजॉय करने का है ना। अभी हाँ क्यों वेकेशन हो गया? सबका हो गया वेकेशन? यहाँ शुरू हो गया। ओ, इवन चेन्नई? नहीं कब से आपको चेन्नई में, कब हो वेकेशन होता है? हमें दिसंबर हाफ फेली के बाद में होता है ओ, दिसंबर दादा, में होता है। मुझे परसों से लगे दक्ष, क्या बोला आपने? दादा, मेरी भी नहीं लगी अभी छुट्टी। सर ओ, आपको ओनली मुझे देव, आपको छुट्टी है? दादा हाँ ओके, तो थोड़ी बातें करो कि कैसे जल्दी उड़ सकते हैं। कैसे दादा? हाँ जी, अभी तो अभी हमारा जो अभियान चल रहा है सुबह उठने का, तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये सिंसियरिटी नहीं आएगी। दादा क्या बोलते थे कि एक बार आपको लक्ष्य में तो रखना चाहिए किसी भी हालत में, कि मुझे किसी भी हालत में सुबह को कोई भी टाइम फिक्स करो। दादा क्या बोलते थे कि कोई भी टाइम फिक्स करो, ताकि उस वो फिक्स टाइम में हम उठ जाए। और सुबह को जो उठने का अर्ली इन द मॉर्निंग का काम होता है ना, वो इतना लाभदायी होता है कि जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें सुबह को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त जो 4:30 से लेके 6:30 के बीच में होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्टडी करते हो, या अगर आप भक्ति करते हो, या कुछ भी करते हो, तो वो उस समय वो इतना हेल्पफुल होता है और इतना ब्लेसिंग्स वाला होता है, कि ताकि चारों तरफ से जो ब्रह्मांड में देवी देवता है, सिमंदर स्वामी, दादा भगवान जहाँ भी विराजमान है, वहां से ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हमको वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको मिस करेंगे तो हमारी डेवलपमेंट में बहुत असर करता है। हमारी डेवलपमेंट जो चाहिए वो नहीं होती है, और हमारे स्टडी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास तो ऐसा रिकॉर्ड्स है कि जो अर्ली इन द मॉर्निंग में 5 o'clock 6 o'clock उठ के जो स्टडी करते हैं, तो उनको उस समय इतना ब्रेन फ्रेश होता है, और बाकी के टाइम में तो ब्रेन थक जाता है, पर मॉर्निंग के टाइम में जब उसको नींद अच्छी मिल जाती है, तो रेस्ट में से उठते हैं, तो उस समय कुछ भी पढ़ने से ऑन द स्पॉट मेमोराइज हो जाता है। इतना पावरफुल है। तो ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, साधु साध्वी, सब जितने भी लोग हैं, वो अलीन तब ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठ जाते हैं? वो ऐसा टाइम होता है जो जिस समय चारों तरफ से पूरा साइलेंस होता है, शांति, एकदम शांत। कोई आवाजें नहीं होती है, कोई गाड़ियों की आवाज नहीं आती है, कोई घर में कुछ बासन नहीं खटकते हैं, चारों तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस साइलेंस होता है। उस साइलेंस में अगर आप भक्ति करते हो, या आप स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो जब तक हम उन चीजों का क्या फायदा है, या इसका लाभ क्या होता है, वो जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो लेट उठे तो क्या, बाद में उठे तो क्या, 2-4 घंटा ज्यादा सो गए तो क्या, क्योंकि हमको वैल्यू नहीं है। हमने दादा भगवान को पूरी लाइफ, फुल लाइफ, जब से हम दादा भगवान से मिले, जब तक दादा का देह विलाया, हमने कभी भी दादा को सुबह को 4-5 बजे पहले सोते हुए कभी देखा ही नहीं। तो दादाजी को भी तो ये इस चीज का पूरा पता था कि सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग उठने से क्या होता है। हमको दादाजी की ये उनका हर दिन का जीवन का बिताने का जो नजरिया था, जो तरीका था, वो हमने उनको देख के सीखा कि क्यों दादाजी इतना जल्दी उठ के ये सब सत्संग के लिए तैयार हो जाते हैं। और सुबह को जल्दी उठने से इतना लाभ होता है कि
कि अगर हम 7-8 बजे उठे ना तो हमको ऐसा लगता है जैसे आधा दिन गुजर गया, हमारा बहुत सारी चीजें मिस हो गई। और अगर सुबह को आप 5 बजे उठ गए या अर्ली इन द मॉर्निंग उठ गए, तो आपको ऐसा लगे पूरा डे मेरे हाथ में, तो वो पूरा दिन जब हाथ में होता है तो आप कितने सारे काम कर सकते हैं, राइट टाइम पे स्टडी कर सकते हैं, राइट टाइम में मम्मी पापा को हेल्पफुल हो सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं, अपने सत साधन कर सकते हैं, इनके लिए इनफ टाइम होता है। और अगर आप सुबह ही अपनी 8 बजे से शुरू करो तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा दिन पूरा हो गया, क्योंकि जब 8 बजे से आप लाइफ शुरू करोगे तो उसके बाद कब आप तैयार होगे, कब सत साधन करोगे, कब स्टडी करोगे, तो ऐसा सब पीछे 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 चला जाता है। पर अर्ली इन द मॉर्निंग उठने से बहुत बड़ा लाभ होता है कि आपको पूरा ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास पूरा दिन है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें अगर हम लक्ष्य में रखेंगे ना, इसकी वैल्यू क्या है, इसके लाभ कितने हैं, इसके फायदे क्या क्या है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी। पर हमको इसका वैल्यू समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठने, सत साधन करने की क्या वैल्यू है, हमको टाइम सर हर किसी को हेल्पफुल होने की क्या वैल्यू है, हमको मम्मी पापा को हेल्पफुल होने की क्या वैल्यू है। जो जो चीजों की हमको वैल्यू समझ में आएगी वो चीजें आपके अंदर और भी डेवलप होती जाएंगी, तो ये कोशिश करके देखना चाहिए। सही है, ट्राई करो, ट्राई करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर हम देर से उठे तो हमने प्रतिक्रमण किया, दादा से शक्ति मांगी, हे दादा भगवान मेरे से ऐसा आज भूल हो गई, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और मेरे से ये गलती हो गई, दादा भगवान मुझे क्षमा करो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं किसी भी हालत में सुबह को 5 बजे से पहले 6 बजे से पहले उठ जाऊं, सूर्य सूर्य देवता के उठने से पहले मैं उठ जाऊं, हे दादा भगवान ऐसी आप मुझे शक्ति दो। अगर हम प्रतिक्रमण करेंगे और शक्ति मांगेंगे तो धीरे धीरे दादा भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपको रियलाइज हुआ, आपको अंडरस्टैंड हुआ कि इसकी ये मेरे से भूल हुई है। और अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम ये भूल कर रहे हैं और प्रतिक्रमण भी नहीं करेंगे तो इस भूल को और सपोर्ट मिलेगा, उसको और प्रोटेक्शन मिलेगा, और धीरे 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 हम लाइफ में कभी भी अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की सिंसियरिटी में नहीं आएंगे। तो ये थोड़ी प्रोसेस करने जैसी है, बरोबर है? ओके, ठीक है दीपक दादा। या दूसरी एक बात ये भी है, चलो आप लेट उठे लेकिन ड्यूरिंग द डे सारे दिन में आपको जो टाइम मिलता है अगर आप उसको उस समय को अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो उसके परिणाम से आपको सुबह में आसानी से जल्दी उठना हो जाएगा। ये दिन भर लेट तो उठते हैं लेकिन साथ साथ दिन भर जो समय का उपयोग करना है वो भी नहीं होता है, ये ख्याल में आया? दिन भर जो हमें टाइम मिलता है, चलो लेट उठ गए लेकिन फिर क्या, लेकिन फिर बाकी के सारे दिन में हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से टाइम बिगड़ता ही रहता है, तो उससे और भी नेगेटिविटी आ जाती है। अगर उसमें भी आप पॉजिटिव रहेंगे तो उसके परिणाम से, क्योंकि आपको फ्री टाइम का आपने लाभ ले लिया, बेनिफिट ले लिया, तो फिर आपको और भी फ्री टाइम चाहिए, तो अपने आप अरे आप सो ही नहीं पाओगे। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आपको नींद कैसे आती है इतनी सारी, सोने का अच्छा लगता है ना? सोने का कब अच्छा लगता है पता है? जब हम मेंटली टायर्ड होते हैं, मेंटली थक जाते हैं ना, तब हम सोने का इच्छा करते हैं। समझ में आया? ये इतना सारा हमारा जो कैरिकुलम, जो हम ये 3 साल से बातें करते करते एक जो पूरा दादा की कृपा से एक टाइम टेबल जो बना है ना, मैं तो समझता हूँ अगर आप 60-80% भी फॉलो करना शुरू कर देंगे ना तो उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये समझ में आया? स्टार्टिंग विद वेक अप टाइम, स्टार्टिंग विद वेक अप टाइम, एक्सरसाइज, ब्रश, एक्सरसाइज, सत साधन, ब्रेकफास्ट,
स्कूल, होमवर्क, लेडी मम्मी के साथ का व्यवहार, सब एवरीथिंग विल गेट स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, इट विल फॉलो, उससे सब अपनी जगह पे परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो अंदर का एटीट्यूड अभी भी नेगेटिविटी पर चलता है और उसका प्रतिक्रमण नहीं होता है। चल में आया, हाँ आई विल टेल यू, मेरा संयोग नहीं होता है तो फिर मैं एटलीस्ट सुपर ब्रेन योगा तो कर ही लेता हूँ, क्योंकि वो तो कहीं भी कर सकते हैं। ट्रेन में भी मैंने किया है, बोलो, ट्रेन में वाइल ट्रैवलिंग इन द मॉर्निंग, और वो तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दिन में कभी भी कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट लेना है हमें। ये डिसाइड करेंगे, डिसाइड करते ही जाना है, और जितना डिसीजन फॉलो नहीं होता है उसका हार्टिली प्रतिक्रमण रखना है। ओके जी ओके, सच्चिदानंद। जय अच्छा एक सच्चिदानंद। और बात, एक और बात जस्ट मुझे पूछना है कि अगर आप लेट उठते हो तो आपको अंदर से थोड़ा भी कुछ दुख होता है, अरे सुबह नहीं का देखो इतना अच्छा दादा, टाइम एक चले दो गया? चीज है। एक तो पहले उठने का टाइम बाय देमसेल्व्स, दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग, एंड बाद में आपने बताया बात सही है, लेकिन अपना अगर आप लेट अभी उठ, अभी अभी हाँ ग्रेडिंग है, वेक अप योर सेल्फ, यू नो दैट इज अवर ग्रेडिंग। करेक्ट करेक्ट, लेकिन लेट उठते हो तो अंदर से थोड़ा भी कुछ दुख होता है, या मम्मी उठाते तो घर मम्मी से झगड़ा करते हो, दीदी उठाती है तो उसके साथ झगड़ा करते हो, क्यों उठाया मुझे? दक्ष दक्ष क्या बोलते हैं? दादा मुझे हल्का सा दुख होता है कि अब मेरे पास इतना कीमती समय चले गया, मैं ये इतना सारा चीजें कैसे कर पाऊंगा। वेरी गुड राइट right. तो वेरी इसलिए गुड, मम्मी को बोलना था अलार्म रखे आपके लिए। ओके वेरी दादा आज ही मैं रखूंगा। गुड, ऑल द बेस्ट, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदान, जय सच्चिदान। ओके मोनिका, हैव अ गुड डे, व्हाट एवर इज देयर। जय और सच्चिदानंद, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, मम्मी थैंक यू। जो मम्मी जो बताती है वो बड़ौदा बेच देना। हाँ सब हाँ बोलते हैं एंड पर मुझे केशोदा सब हाँ बोलते हैं पर कुछ करते नहीं है, क्या करेंगे नहीं, बट धीरे दादा धीरे 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 निश्चय में आ जाएंगे हम, आप। और फिर हम भी छोड़ने वाले नहीं है ना ओ ये इनको वो बात है, या दैट इज राइट। ये जब तक सिंसियर नहीं होते हम भी छोड़ेंगे नहीं वो इनको खुशी तो खुश उनसे ज्यादा हमें उनकी जरूरत बहुत है। खुशी खुशी तो बहुत खुशी हो गए, खुशी हाँ बोलते हैं आप मेरे घर आ जाओ, दादा, खुशी। अभी आपको इंडिया आना पड़ेगा। हाँ ऐसा सोचना पड़ेगा हमको ये। अरे हाँ ये बच्चे बच्चे लोग क्या करेंगे आपको? नहीं, ये वेरी गुड, ये बच्चे लोग तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत अच्छा। मैं अभी कैशोदा सोचते हैं कि इन लोग एक बड़े। चीज, हाँ एक चीज बोलो। बहुत अच्छी है जो हमारे बचपन में हम नहीं देखते थे, कि ये A to Z ट्रुथ बोल देते। मैंने नहीं किया सो नहीं किया, फिर राइट चाहे राइट कुछ भी हम उनको सुनना पड़े, आपसे, मेरे से, दीपक दादा से, पर वो हमेशा ट्रुथ बोलते हैं। ये बहुत बड़ी राइट चीज है। और यार, और मैं कभी कभी सोचते हैं कि इन लोग कॉलेज कंप्लीट करके जब बाहर जाएगा तो हाउ वंडरफुल दिस चिल्ड्रन हाँ हाँ विल बी, दे विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो दादा दादा का ग्रेस आएगा, अभी से ये सब करते, आएगा सत्साधन और ये करते तो आना ही क्या? है। वेरी वेरी गुड। ओके खुशी, आप बहुत गुड। खुश क्यों हो गए? अच्छा नहीं लगा हम बोल के? अच्छा आपने अच्छा अच्छा कहा ना, इसीलिए। और इतना सी बात क्यों हंस नहीं रहे तो हमको मालूम नहीं। क्यों वो बहुत सीरियस हो गई है, मम्मी का पहले सुन लिया बहुत, ना आज। पहले बहुत खुश रहती थी, अभी अचानक, अभी रिसेंटली देखा है बहुत सीरियस रहती है। इताक्षी माँ कुछ बोलो।
आप किससे नाराज हो क्या? बस नहीं तो तो ठीक, मम्मी को बोलना कि ये नाराज। टैक्सी बाबू, मम्मी को बोलना कि ये सब दादा कंप्लेन करते हैं कि हम हंस नहीं पाते। ओके क्या मम्मी को आपने कंप्लेन कुछ करो कि बोला? हम दादा लोग सब बोलते हैं कि हम स्माइल नहीं करते हैं। ओके जय सच्चिदानंद, गुड डे। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे एंड हैव अ नाइस डे टुडे एंड एंजॉय मैक्सिमम। थैंक यू। ओ हमको भी अभी गिफ्ट देने वाले हैं। एक मिनट, वेट वेट वेट, एक मिनट।